दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल व्हाट्स अप वी डूइंग पे। और ये सफ़र जो मेरा पूना से चालू हो रहा है, आज सीधे जाने वाला है काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई। मुंबई एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है, तो मैं आपको आज के सफ़र में बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। पहले तो ये सफ़र की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है ये विस्टा डोम, जो मैं डेक्कन क्वीन के अंदर सफ़र करूँगा। और इसमें जो खासियत है इस डोम की, इस विस्टा डोम कोच की, वो भी बताऊंगा, क्योंकि ये तीन तरफ से कांच से बनी हुई है। और इसके लास्ट वाले जो एंड पोर्शन है, जैसे ये जो देख रहे हो आप, यहाँ पे खड़े होकर ना आप सारे नज़ारे देख सकते हो। जब ये ट्रेन मूव होती रहती है, वैसे तो हम ट्रेन में ये नहीं देख पाते, बट अगर आप विस्टा डोम में सफ़र कर रहे हो तो आप ये ज़रूर देख पाओगे। तो आज आप मेरे साथ बने रहिए इस सफ़र में, मैं आपको ये जर्नी भी दिखाऊंगा और काला घोड़ा फेस्टिवल भी दिखाऊंगा। बहुत खूबसूरत है, आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। और इसी खूबसूरत नज़ारों के साथ मैं पहुंच चुका हूं मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे। और यहां से मैं वॉकिंग करते हुए जाऊंगा काला घोड़ा, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है यहां से वॉकिंग करके फोर्ट के एरिया में जाना। तो फिलहाल मैं जस्ट अपनी जो सफ़र है उसके हर एक चौराहे पे, हर एक मोड़ पे और हर एक गलियारों पे थोड़ा फोटोज़ लूँगा, वीडियोज़ लूँगा, आपको दिखाऊँगा कितना ब्यूटीफुल है ये शहर। और मैं शुरुआत करूंगा मुंबई के वड़ा पाव से। जो आराम का वड़ा पाव यहाँ पे है, बहुत ही बढ़िया है, और इसे खाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की टैक्सी, जो पीली काली जो हमेशा मुंबई में देखने मिलती है। और इसी तरह से मैं गलियों से होते हुए काला घोड़ा जा रहा हूँ। बीच में बहुत खूबसूरत सा आर्किटेक्चर मुझे देखने मिला, और थोड़े ही देर में आपको मैं काला घोड़ा में एंटर करवाऊंगा। बट उसके पहले आसपास के थोड़े आर्किटेक्चर को भी देखेंगे। और यहाँ पे आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा सनी है, ना ज़्यादा गर्मी है, ना ज़्यादा उमस है, तो देखने में घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं कभी कभी सिर्फ फोटोग्राफी के लिए ही आता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरी बहुत ही फेवरेट सिटी है। बस थोड़ा ठंडा हो लिया जाए और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ काला घोड़ा। लो जी, पहुँच गया मैं काला घोड़ा फेस्टिवल 2023 में, और यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए। फिलहाल तो मैं एंटर कर रहा हूँ काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल। यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है जो स्ट्रीट पे जो इस तरह का आर्ट रखा जाता है, जो दिखाया जाता है, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो बहुत दूर दूर से आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये कार जो हर साल अलग अलग रूप में आती है, वो मेरी बहुत ही फेवरेट है। काला घोड़ा जो है वो मैं आई थिंक फोर्थ टाइम अटेंड कर रहा हूँ, बट हर बार मुझे सब कुछ नया सा लगता है। इस बार भी ये जो घोड़ा है जो मेटल से बना हुआ है, और इन्हें तो आप जानते ही हो, जो बहुत ही अच्छे कार्टूनिस्ट थे और फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के खड़े हुए हैं। जी हाँ, हरा घोड़ा भी देखने मिलेगा थोड़ी एंडिंग वाली जगह पे। मेरे ख्याल से मैं उस जगह पे जाऊंगा जहाँ पे हरा घोड़ा भी नया एक चालू हुआ है, उसे भी दिखाऊंगा। बट यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों से जो आर्ट बनाया जाता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो देखना, वो महसूस करना, उसे फील करना एक बहुत ही, जैसे ये अब कौन विश्वास करेगा कि इस तरह के आर्ट को बनाने के लिए इस तरह का मटेरियल लगेगा। तो आपने देख ही लिया कि यहाँ पे लोग भरे हुए हैं क्रिएटिविटी से। केवल ये क्रिएटिविटी देखने के लिए ही लोग दूर दूर से आते हैं। जैसे मैं पूना से आप लोगों को यहाँ पे लेके आया हूँ, छोटी सी माचिस की डब्बी एक आर्ट को बना रही है,
3D प्रिंटेड कार है जिसका मजा आप देख ही रहे हो। फिलहाल मैं आपको और भी कुछ कुछ चीजें दिखाऊंगा रास्ते में, तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया, ताज और थोड़े और इस तरह के मॉन्यूमेंट्स अगर आपने नहीं देखे तो आपने मुंबई नहीं घूमा। और ये मेरा फेवरेट कैफ़े है, मोंडे कैफ़े। मैं यहाँ पे लंच करूँगा और यहाँ पे लंच करने के बाद में मैं निकल पड़ूँगा नरीमन पॉइंट, और जाते जाते आपको बहुत सारी खूबसूरत जगह भी दिखाऊँगा। लो मैं पहुँच गया हूँ नरीमन पॉइंट। सबसे खूबसूरत जगह है ये नेकलेस रोड नरीमन पॉइंट, और यहाँ पे तो मैं ज़रूर आता हूँ, थोड़ा देर बिताता हूँ, बैठता हूँ, नज़ारे देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ, और उसके बाद में ही अपना सफ़र ख़त्म करता हूँ। बट अभी आपको मैं लेके जा रहा हूँ हरा घोड़ा, जहाँ पे एक्सटेंडेड बोल सकते हैं, काला घोड़ा का एक्सटेंडेड पार्ट है ये, जो एक गार्डन में अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे भी बहुत सारी क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है। इस बार कुछ आर्टिस्ट लोगों ने यहाँ पे अपने आर्टिफैक्ट्स लगाए हैं, मेटल्स के हैं, पेपर्स के हैं, डिस्क के हैं, ये POP से बना हुआ है। बट मैसेज बहुत प्यारा मिल रहा है यहाँ पे, मैसेज बहुत प्यारा मिल रहा है। इसी के साथ बने रहिए, मेरे सफ़र को देखते रहिए। आशा करता हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, जो काला घोड़ा के बारे में। अगर आपको और जानना है तो मेरे ब्लॉग पे आप जा कर के देख सकते हो, जो whatsabidoing.com पे है। लो इसी के साथ में मैं वापस से स्टेशन पहुंच गया हूं, और बस थोड़ी देर में मेरे को अपनी ट्रेन पकड़नी है वापस पुणे के लिए। वापस से मैं अपने उस विस्टाडोम कोच जिसको मैंने बुक किया है, वैसे तो रिटर्न में मुझे कुछ ज़्यादा मज़ा आएगा नहीं, बट मैंने बुक किया था कि हो सकता है कुछ मुझे अलग एक्सपीरियंस मिले। लो पहुँच गया मैं विस्टाडोम में, और कुछ ही देर में बस ये ट्रेन निकल पड़ेगी और मैं अपने पुणे पहुंचूंगा।